Find the equation of a line drawn perpendicular to the line x upon 4 plus y upon 6 is equal to 1 through the point where it meets the y-axis. So let's see how we will solve this problem. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या है. इट इज प्रोवाइडेड कि एक लाइन है और लाइन का इक्वेशन है x अपॉन 4. द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 एंड दैट इज इक्वल टू 1. तो ये एक लाइन आपको गिवन है और अगर आप इस गिवन लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करें which is x upon a plus k y upon b is equal to 1. So while comparing, you will get the value of a, which is your 4, and the value of b, and this is equal to 6. जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो b है that is the intercept on the y axis और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो इसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा. ठीक है. अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे जाके मीट करती है तो वो पॉइंट हमारे पास हो जाता है 0,6. ये वो पॉइंट है, ये जो लाइन है x अपॉन 4 प्लस के y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, ये y एक्सिस को 0,6 पॉइंट पे जाके मीट करती है ना. तो क्वेश्चन पार्ट इज कि मुझे एक लाइन का इक्वेशन निकालनी है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो और 0,6 से पास करें. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आगे हम लोग इसके लिए क्या करेंगे. अब जैसा कि आप जानते हैं कि सपोज अगर मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0. लेट दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. और अगर आपसे पूछा जाए कि आप गिवन लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करिए तो इसका फॉर्मेट होता है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब लाइन हमारे पास है, आप देख सकते हैं कि इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड दैट इज x अपॉन 4 प्लस के y अपॉन 6 एंड दैट इज इक्वल टू 1 के. अगर मुझे गिवन लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे लिखना होगा x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 4 प्लस लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू 0. अब इसमें रेस्ट्रिक्शन मतलब जो कंडीशन गिवन है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये पास करती है 0,6 से. तो अगर ये लाइन 0,6 से पास कर रही है तो 0,6 इसको सेटिस्फाइड करेगा. तो गिवन इक्वेशन में अगर मैं 0,6 डाल देता हूं तो ये बनेगा 0 माइनस 6/4 प्लस लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू 0. या फिर आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 3/2. लैम्डा इज योर 3/2 और लैम्डा की वैल्यू 3/2 जैसे आप सबमिट करेंगे तो फॉर्मेट आपके पास बनता है x अपॉन 6 माइनस वाई अपॉन 4 प्लस 3/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 के. और अगर इस इक्वेशन को आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, बेटर है जस्ट आप इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2x माइनस के 3y एंड प्लस वी कैन से प्लस 18 एंड दैट इज इक्वल टू 0 के. And finally, this is a line which is perpendicular to the given line and passing through the point 0,6.